हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे छोले की रेसिपी। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ढाई सौ ग्राम चना लिए हैं, 250 ग्राम आलू लिए हैं। चना को रात को भिगा दिए थे। चना को आलू को 1/4 चम्मच नमक डालकर हम 3-4 सीटी लगाकर उबाल लिए हैं। अब चलते हैं बनाने। आज छोला हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तड़के के लिए लिए हैं 2 लौंग, 2 दालचीनी, 2 काली मिर्च, 1 चुटकी शाही जीरा, 2 साबुत लाल मिर्चा, 2 तेज पत्ता। अब डाल देंगे। तड़का तड़क चुका है, अब इसमें 3 प्याज का पेस्ट डाल देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। प्याज भून लिए हैं, इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी भून लेंगे प्याज के साथ। एक मिनट हो चुका है, इसमें अब 2 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। टमाटर का कच्चापन दूर होने तक इसको भून लेंगे। मसाला डालेंगे। मसाला में क्या लिए हैं आपको बता देते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच मीट मसाला। सब मसाले को डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मसाले को भून लेंगे। मसाले को अच्छे से 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। मसाले को चलाते हुए भूनना है। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। डालकर भून लेंगे अच्छे से इसको। मसाला भून चुका है, अब इसमें चना आलू डाल देंगे। दो मिनट मसाले के साथ सबको भून लेंगे। दो मिनट हो चुका है, 1 बड़ा कटोरा से 1 कटोरा पानी डाल देंगे। डालकर चला लेंगे अच्छे से। ढककर 10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट पहले हम गैस बंद कर दिए थे। देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट। तो एक बार मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाएं दोस्तों, और खाएं, फिर हमें कमेंट करें कि हमारा रेसिपी कैसे लगा आपको।